धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने पूरी मानवता को एक बार फिर शर्मसार कर डाला है, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। मामला है मध्य प्रदेश के कटनी जिले का, जहां गर्भवती महिला के इलाज के लिए कटनी पहुंची पीड़ित लक्ष्मी विश्वकर्मा के परिजनों ने रूपा लालवानी के प्राइवेट हॉस्पिटल में इसे भर्ती कराया था। इसके बाद जांच और दवाइयों के नाम पर पेशेंट के परिजनों से पैसा लिया गया और उसे फिर बाद में रेफर कर दिया गया दूसरे अस्पताल। वहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि पेशेंट की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल कटनी के एक निजी हॉस्पिटल में पीड़ित लक्ष्मी को परिजनों ने भर्ती किया था। इस दौरान डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर पैसे ऐंठे और उसके बाद मृत अवस्था में उसे भेज दिया। दूसरे अस्पताल जाने पर पता चला कि महिला की मौत पहले से ही हो चुकी थी। लेके आया सुबह 9 बजे ये अस्पताल में, मरीज सही सलामत था। उसके बाद इलाज चला है ना, इलाज करती रही 2-3 बजे के बाद इन लोगों ने अंदर रूम में ले गए। कई प्रकार का इलाज बताई हम लोग को, अंदर जाने नहीं दी है ना, मिलने नहीं दी। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे 8 बजने के बाद इनने बोला रिफर है। रिफर ले जाने के बाद मैं दिखाया धर्म लोक पे, तो महिला सिस्टर वहाँ की बोल रही है महिला कब की मरी हुई है। मृतिका लक्ष्मी विश्वकर्मा की डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखी हुई है। उनके पति ने बताया कि हम चंदिया के रहने वाले हैं, सुबह सरकारी अस्पताल ले गए थे। फिर तो उनको अच्छे इलाज के लिए डॉक्टर लालवानी साहब के यहाँ लेके आए थे और उनकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई है। जब हमें सूचना मिली, हम यहाँ आए, हमें कोई स्टाफ और डॉक्टर साहब नहीं मिले।